गाजियाबाद के नवनियुक्त जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पद संभाला। वहीं आपको बताते चले, जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बताया कि गाजियाबाद जिला दिल्ली NCR का अहम जिला माना जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में गाजियाबाद का अलग ही स्थान है। ऐसे में गाजियाबाद के लिए उनकी प्राथमिकताएँ हेल्थ, एजुकेशन एवं कृषि होंगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जनता से भी वह सीधा संवाद करेंगे ताकि जनता और अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल बना रहे और जिले का चहुंमुखी विकास हो। जिलाधिकारी इससे पूर्व मुरादाबाद जिले में जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे और अपने कार्य एवं कार्यशैली को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। अब देखना ये होगा कि गाजियाबाद में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह किस तरीके से कार्य करते हैं और किस कदर जिले के विकास में सहयोग देते हैं। सर, गाजियाबाद में आपने आज कार्यकाल संभाला है, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी, किन कार्यों पर फोकस आपके रहेगा? सेकंड वेव इस समय जो है वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, तो आगामी तैयारी के लिए जो शासन के निर्देश हैं, जो तीसरी वेव की एक परिकल्पना की जा रही है उसमें हम फोकस करेंगे। उसमें खासतौर से पीपू वार्ड का निर्माण है, नीकू का निर्माण है और जो हमारी चिकित्सा संबंधी जो चैलेंजेज हैं उनको थोड़ा इस दौरान जब हमें टाइम मिलेगा तो उसको जरूर हम अच्छे ढंग से जो है ठीक करेंगे, जो भी शासन के निर्देश हैं। गाजियाबाद से सर आपका पुराना नाता रहा है, गाजियाबाद में पहले भी आप यहाँ पर बात कर चुके हैं, तो क्या प्राथमिकताएं इसके अलावा रहेंगी? कोविड तो रहेगा ही, कोविड की थर्ड वेव आशंका जताई गई है, उसके अलावा क्या कुछ सुधारने की प्राथमिकता रहेगी और प्लस हमारा फोकस जो है चिकित्सा पे रहेगा, कृषि पे रहेगा और शिक्षा पे रहेगा। ठीक।